मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा की नायब वजीर आजम ने टोरंटो की माली इमदाद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि शहर को प्रीमियर डग फोर्ड की सूबाई हुकूमत से रजू करना चाहिए। वफाकी हुकूमत की खर्च करने की सलाहियत लामहदूद नहीं है। कनाडा में पनाह के मतलाशियों की आमद में रिकॉर्ड इजाफा। रवां साल सियासी पनाह के मतलाशियों के 60,000 के करीब दरख्वास्तों पर कार्रवाई की गई। माहिरीन का कहना है कि सियासी पनाह तलाश करने वालों की तादाद वक्त के साथ बढ़ेगी। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो शहर में हीट वेव की वार्निंग। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। हफ्ते को मौसम ठंडा होने का इम्कान। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Headlines aapne jaani aur ab shamil karenge khabron ki tafseel. कनाडा की नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने टोरंटो के नए मेयर की जानिब से कनाडा के सबसे बड़े शहर के लिए करोड़ों डॉलर की माली इमदाद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने टोरंटो के नए मेयर की जानिब से कनाडा के सबसे बड़े शहर के लिए करोड़ों डॉलर की माली इमदाद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। टोरंटो के मेयर ओलिविया चू को भेजे गए एक खत में फ्रीलैंड का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने 2015 में मुंतखब होने के बाद से शहर को 6 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का तआवुन दिया है और अगर मजीद मदद की ज़रूरत हो तो टोरंटो को या तो अपने रिजर्व अकाउंट से रकम निकालनी चाहिए या प्रीमियर डग फोर्ड की सूबाई हुकूमत से रुजू करना चाहिए। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना था कि वफाकी हुकूमत की खर्च करने की सलाहियत लामहदूद नहीं है और हमने वबाई अमराज के दौरान जो हंगामी मदद फराहम की है, टोरंटो शहर को इस साल तकरीबन बिलियन डॉलर के बजट की कमी का सामना है और चाओ वफाकी और सूबाई इमदाद की दरख्वास्त करने वाले सिटी काउंसिल के सिर्फ ताज़ा तरीन रुकन हैं। दोनों साबिक मेयर जॉन टॉरी और डिप्टी मेयर जेनिफर मैक कैलवी ने इस कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत की दोनों सतहों से फंड्स हासिल करने के लिए आवामी मुहिम चलाई, जिसका ज़्यादातर ताल्लुक वबाई अमराज से जारी अखराजात से है। हालिया बरसों में वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों ने शहर को इन अखराजात को पूरा करने में मदद के लिए अरबों की फंडिंग फराहम की थी, लेकिन 2022 में पहली बार निशानजद किया गया कि वफाकी हुकूमत ने वो फंडिंग फराहम नहीं की। हालांकि सूबे ने इस फर्क को पूरा करने में मदद के लिए टोरंटो को कई सौ मिलियन दिए। टोरंटो काउंसिल माली परेशानियों से निमटने के लिए नए टैक्सों और फीसों के मुतालिक की हिमायत करती है। आखिर में टोरंटो ने लाखों इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को मुलतवी कर दिया और तवाजन पैदा करने के लिए अपने सरमाए के बजट से पैसा निकाला जो कानून के लिए ज़रूरी है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि ये फंड्स इस साल शहर के मुतवक्का 933 मिलियन डॉलर की कमी को पूरा कर सकते हैं। फ्रीलैंड का कहना था कि 30 सितंबर 2022 तक टोरंटो के कुल ज़खायर और रिजर्व फंड्स में 11.2 बिलियन डॉलर का बैलेंस था, जो कि 2021 से 2.2 बिलियन डॉलर या 25% जायद है। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इन ज़खायर के अंदर कम अज़ कम 1.6 बिलियन डॉलर गैर मुनज़्ज़म इस्तेहकाम फंड्स में दस्तियाब हैं। कनाडा ने रवां साल अब तक मुल्क में पनाह लेने के ख्वाहां सियासी पनाह के मतलाशियों की तकरीबन 60,000 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की है, जो तकरीबन एक दहाई में सबसे ज़्यादा तादाद है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने रवां साल अब तक मुल्क में पनाह लेने के ख्वाहां सियासी पनाह के मतलाशियों की तकरीबन 60,000 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की है, जो तकरीबन एक दहाई में सबसे ज़्यादा तादाद है। अगरचे इस इजाफे की वजाहत मुतअद्दिद अवामिल से की जा सकती है, जिसमें पनाह की दरख्वास्तों का बैकलॉग भी शामिल है,
माहरीन का कहना है कि इसकी एक बुनियादी थीम की तरफ इशारा किया गया है। जैसे जैसे आलमी तनाजात और बहरानों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, इसी तरह पना हासिल करने वाले अफराद की तादाद भी बढ़ेगी, ना सिर्फ कैनेडा में लेकिन कहीं भी वो इसे ढूंढ सकते हैं। कैनेडा में अक्वामे मुत्तहदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजरीन के एक सीनियर कानूनी अफसर आजादा तमजीदी का कहना है कि हमने पनाह के मतलाशियों की बढ़ती हुई तादाद को कैनेडा पहुंचते देखा है और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब हम दुनिया भर में और आलमी सतह पर पनाह और तहफ्फुज़ के लिए लोगों की बढ़ती हुई तादाद को देख रहे हैं, हम दुनिया भर में तनाजात की तादाद में इजाफा देख रहे हैं। हम नकल मकानी की बुनियादी वजूहात को हल करने और तनाजात को हल करने में नाकामी देख रहे हैं, लिहाजा ये लोगों की बढ़ती हुई तादाद का बाइस बन रहा है जिन्हें हिफाजत की तलाश के लिए जाना पड़ता है। माहरीन का कहना है कि लोग सियासी तनाजात और तशद्दुद से लेकर मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली कुदरती आफात तक पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब और सूडान में पुरतशद्दुद तनाजात की तरफ इशारा करते हुए मुख्तलिफ आफात से भाग रहे हैं। इसी तरह पनाह के मतलाशी जो 2018 से कैनेडा आए हैं, उनका ताल्लुक इसी तरह के मसाइल से नबरद आजमा ममालिक से है जिनमें अमरीका, मशरक वस्ता और अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं। इन्वायरमेंट कैनेडा का कहना है कि टोरंटो बुध से शुरू होने वाली गर्मी की लहर की जद में आएगा। शहर के इर्द गिर्द गर्म और मरतूब मौसम जुमे तक रहने की तवक्को है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो शहर में हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया है। इन्वायरमेंट कैनेडा का कहना है कि टोरंटो बुध से शुरू होने वाली गर्मी की लहर की जद में आएगा। शहर के इर्द गिर्द गर्म और मरतूब मौसम जुमे तक रहने की तवक्को है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी ने वार्निंग में टोरंटो के इलाके के रहायशियों को बुध को दिन के वक्त दर्ज हरारत 30 सेंटीग्रेड तक पहुँचने का मशवरा दिया। इन्वायरमेंट कैनेडा का कहना है के थोड़ा सा ठंडा होने के दौरान जुमेरात की पेशगोई बहुत ज्यादा मरतूब रहने की है। दरअसल जुमे जिसकी तवक्को है कि हफ्ते का गर्म तरीन दिन होगा, इंतहाई गर्म होगा। एजेंसी का कहना है कि बहुत से इलाकों में ह्यूमिडेक्स की कदर 40 तक पहुंच जाएगी। वार्निंग में कहा गया है कि रात के वक्त का दर्ज हरारत मुमकिन तौर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, लेकिन गर्मी से थोड़ा सा राहत फराहम करेगा। हफ्ते को ठंडे दर्जा हरारत की आमद मुतवक्के है। गर्मी के इंतबाहात इस वक्त पोस्ट किए जाते हैं जब हालात से गर्मी की बीमारियों जैसे हीट स्ट्रोक और गर्मी की थकन का खतरा होने की तवक्को की जाती है। इन्वायरमेंट कैनेडा का कहना है कि गर्म हालात हवा के मयार को खराब करने का बाइस बन सकते हैं, जिसका मतलब है कि एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स मुख्तलिफ मुकामात पर हाई रिस्क के जमरे में पहुँच सकता है। इन्वायरमेंट कैनेडा ड्राइवर्स को ये भी याद दिला रहा है कि वो लोगों या पालतू जानवरों को कभी भी खड़ी गाड़ी के अंदर ना छोड़ें। News are precise and effective.